तो गाइस ये देखिए हमारा रोटी जो मैंने बेल लिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुनिया वाइफ फॉर 111। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? फ्रेंड्स इट्स कुकिंग टाइम। तो आज बनाने वाली हूँ मैं चिकन। चिकन के साथ बनेगा रोटी, तो आप लोग बने रहिए और देखिए मैं अपने स्टाइल में कैसे बनाती हूँ। और ये वही चूल्हा है देखिए जो मम्मी ने बनाया था, पिछले ब्लॉग पे आपने देखा होगा। तो आज इसमें मैं श्री गणेश करने वाली हूँ। तो देखिए मैं चिकन बनाने से पहले इसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा इसको तो मैंने धोया ही हुआ है, लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा डर्टीनेस होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए इसको जूम करके दिखा दो। ये कि इसको मतलब बॉईल करने के दो फायदे हैं, ये इसका तो एक गंदगी निकल जाता है और ऊपर से ये जो मीट होता है बहुत ही ढीला होता है ना, तो ये हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको बनाने के बाद बहुत टेस्ट भी आता है इसमें। और आज के हमारे कैमरामैन जो है मेरे भाई बुबुल, बुबुल हाई कोर्डिया से नहीं फॉलो करा, हाई कोर्डिया। तो गाइस हम लोग का जो मीट है ये बॉयल हो चुका है, अब इसे मैं निकाल देती हूँ। इसको मैं अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। अब मैं बनाने जा रही हूँ फाइनली। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाला, मैं अपने तरीके से जैसे बनाती हूँ वैसे ही बनाऊंगी, खास मसाले नहीं पड़ते। मैंने तेल डाल दिया, जब तक तेल गर्म होता है तब तक ये अदरक और लहसुन जो है मैं इसको थोड़ा पीस लेती हूँ, क्योंकि इसका पेस्ट चाहिए होगा, तो इसको मैं थोड़ा पीस लेती हूँ। इसको हम ज्यादा सॉफ्टली नहीं पीसेंगे, इसको हम लोग थोड़ा दरदरा ही रखेंगे। वो रेडी हो चुका है, मतलब हमको ऐसे ही चाहिए, ज्यादा सॉफ्टली नहीं पीसना था, इसे दरदरा टाइप पीसना था, तो हो गया। सो गाइस इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, मैं ज्यादा मसाले भी यूज नहीं करती हूँ। जैसे इसमें मैंने प्याज की मात्रा ज्यादा रखी है, प्याज और एक टमाटर लिया है मैंने, और ये आलू है और कुछ मिर्ची, और ये सूखी मिर्ची मैंने ली है पहले तड़का लगाने के लिए, और थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी, हल्दी डालूंगी, और बस कलर के लिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर यूज करने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए और देखिए हमारा तेल गर्म हुआ या नहीं, ये गर्म हुआ या नहीं। हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, और मैं इसमें कुछ तेज पत्ता और ये सूखी मिर्ची में डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें मैं प्याज डालूंगी, और इसको थोड़ा ब्राउन होने तक हम भून लेते हैं। तो गाइस ये ब्राउन हो चुका है, और अब मैं इसमें जो बॉईल किया हुआ हमारा चिकन था इसको मैं डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हम चला लेते हैं। तो गाइस अब इसमें मैं आलू डाल देती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो मैं डाल देती हूँ।
इसको मैं अच्छे से चला लूंगी ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो पूरा मीट में पूरा घुल मिल जाए। तो गाइस जब तक हमारा उसका पानी सोखता है मीट का, तब तक मैं आटा गूंद लेती हूँ क्योंकि मैं रोटी बनाने वाली हूँ। फाइनली मेरा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। मेरा आटा गूंद के रेडी हो चुका है। अब मैं चिकन देख लेती हूँ, इसका ऑयल निकल ही रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद अनुसार डाल देते हैं। ये रही हल्दी, हल्दी भी हिसाब से डाल लिया जाएगा इसमें। हल्दी का उपयोग मैं थोड़ा कम करूँगी क्योंकि उसके बाद मैं हरी मिर्च का पाउडर जो है मैं डालने वाली हूँ, उससे कलर आ जाएगा इसका। सॉरी, लाल मिर्च, हरी मिर्च बोल रही हूँ मैं। और इसी के साथ मैं ये जो टमाटर काट के रखे थे मैं वो डाल देती हूँ। जो एक्स्ट्रा पानी है इसी के साथ हम मीट को भून देंगे। जब ये पानी सूख जाएगा तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा पानी यूज करेंगे भूनने के लिए। टमाटर को इसीलिए अभी डाला गया है क्योंकि नमक डालने के बाद जब हम टमाटर को डालते हैं तो ये गल जाता है, वरना इजीली नहीं गलता। देखिए कैसे मैं इसके लोहे तैयार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे रोटी वाले लोहे बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब इसको बेल के सेकना बाकी है रोटी को। तब तक हम यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या चल रहा है। सो गाइस ये देखिए इसका कलर अभी ये पूरा भूंदा हुआ नहीं है, अभी इसको और मसाले के साथ भूनना पड़ेगा। मसाला मैं कुछ खास यूज नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ जीरा पाउडर। ये देखिए इसमें जीरा पाउडर है और मैं जीरा पाउडर डालूंगी इसमें। थोड़े से जीरा पाउडर और इसके साथ जस्ट कलर के लिए ये सूखी मिर्ची पाउडर। हो गया, अब मैं इसको चला लेती हूँ। गाइस अब मैं इसे ढक देती हूँ थोड़ा सा। गाइस अब देखिए इसमें मसाले का जो ऑयल है, मसाले से ऑयल छोड़ रहा है, मतलब जो भून रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा पानी डालूंगी, पानी डाल के इसको भूनूंगी। तो गाइस सबके अपने अपने तरीके होते हैं, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। मैंने बहुत शॉर्टकट में बनाया है, बहुत कम मसाले में। ज़्यादा मसाले हम लोग नहीं खाते हैं इसीलिए हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। मेरी तो यही रेसिपी है, आप लोग की क्या रेसिपी है, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी ये रेसिपी आप लोग को कैसी लगी वो जरूर मुझे बताइएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बस थोड़ा टाइम और लगेगा। मैं इसको पानी देके थोड़ा सा और भून लेती हूँ। बताइए मुझे जिसका कलर देखेगा और मसाले भी भून के रेडी हो चुके हैं। देखते हैं आलू, इसमें जो मैंने आलू डाला था वो सीझा हुआ है या नहीं।
सीज गया है। तो मीट हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो गाइस इसमें मैं जरूरत अनुसार पानी डालती हूँ। मैं ज्यादा इसको ये पानी नहीं डाल रही, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाने वाली हूँ। इसको मैं अब ढक दूंगी, इसमें गरम मसाला डालूंगी। तो मैंने गरम मसाला रखा, तो ये देखिए ये गरम मसाला का पैकेट, मतलब साबुत गरम मसाले थे, इसको मैंने कूट लिया है। और मैं इसको यहाँ पे डाल देती हूँ, इससे इसका स्मेल अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देती हूँ जब तक ये सीजे। तो गाइस जब तक हमारा चिकन बन के रेडी हो रहा है, तब तक मैं रोटियां बेल लेती हूँ। और काफी लोग मुझसे पूछ रहे कि आप रोटी कैसे बनाती हूँ, तो चलिए आज आप लोग देख भी लीजिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो गाइस ये देखिए हमारा रोटी जो मैंने बेल लिया है। तो गाइस मेरी रोटी जो है लगभग बेल के रेडी हो चुकी है। तो अब मैं देखती हूँ हमारे चिकन का क्या हाल है। चिकन से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है चिकन की। ये ऑलमोस्ट हो ही गया, बस इसका थोड़ा सा जो ये पानी है ना, इसको थोड़ा सा और सुखा देंगे, इसको ग्रेवी टाइप करेंगे हम लोग, इसका ग्रेवी करेंगे। क्योंकि दाल और चावल बन पहले ही बना लिया था हम लोगों ने, बस ये हो जाए, थोड़ा सा इसका पानी सूख जाए, तो मैं रोटियां सेक लूंगी। तो गाइस हो गया है हमारा चिकन बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका ग्रेवी देखिए, ये देखिए। तो हमारा चिकन बनके हो गया है रेडी। अब मैं इसे उतार देती हूँ, और ये तवा है, तवा को चढ़ा देती हूँ सेकने के लिए। देवरा कसा चिंता बोला सुन। तो गाइस ये देखिए हमारी रोटी, मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ और रोटी बनके हो गई कंप्लीट। अब चलिए इसे खाते हैं, आप भी आइए खा लीजिए। तो गाइस हम सब बैठे हैं खाना खाने के लिए, और ये देखिए हमारा जो जो कुछ भी हमने बनाया था, दाल चावल, ये हमारा चिकन, और बाकी सब हम लोग लेके बैठे हैं खाने के लिए। तो गाइज अब तक का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। और पूछते हैं भाई से कैसा हुआ है खाना, हाँ नमक ठीक है, सब ठीक है। तो गाइज आप लोग को मेरा खाना बनाने का अंदाज कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप लोग भी जाइए खाना खाइए,
हम लोग भी खाना खा रहे हैं। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी, बाय बाय।